नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया और आप देख रहे हैं जेएक्स न्यूज छत्तीसगढ़। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। रिटायर्ड बिजली कर्मचारी के घर 3 लाख की चोरी, घर के कमरे से उठा ले गए अलमारी, 1 लाख के जेवर, 2 लाख रुपए नगद की हुई चोरी। जांजगीर चांपा जिले के कापन गांव में एक रिटायर्ड बिजली कर्मचारी के घर सोमवार की देर रात 3 लाख की चोरी हुई। आरोपियों ने 1 लाख रुपए के सोन चांदी के जेवर और 2 लाख रुपए नकदी रकम सहित 3 लाख की चोरी की घटना को अंजाम दिया है। मामला नैला चौकी क्षेत्र का है। जानकारी के मुताबिक कापन गांव के रहने वाले मयाराम गौतम का घर है। सोमवार की रात्रि पूरा परिवार खाना खाकर अपने अपने कमरे में सोने चले गए। रात को करीबन 1 से 1.5 बजे के बीच घर के पीछे का दरवाजा तोड़कर अज्ञात चोर घर के अंदर घुसे, हॉल में बैठकर शराब पिया, फिर घर के सभी कमरे के दरवाजे को बाहर से बंद कर दिया। जिस कमरे में अलमारी रखी हुई थी वह मयाराम का बेटा अमीर सिंह गौतम अपनी पत्नी और बच्चों के साथ सोया हुआ था, जहां से चोरों ने कमरे में रखे अलमारी की घर से बाहर निकाल दिए। कमरे में सो रहे पति पत्नी को इसकी भनक भी नहीं हुई, जिसके बाद चोरों ने उस कमरे का भी दरवाजा बाहर से बंद कर दिया। अलमारी में रखे 2 लाख रुपए नगद और 1 लाख रुपए के सोने चांदी के जेवरात को चोरी कर चोर मौके से फरार हो गए। अमित सिंह गौतम ने बताया कि जब पिता मयाराम गौतम करीबन 2:20 के आसपास उठे और बाहर जाने के लिए कमरे से निकल रहे थे, तब देखा कि कमरे का दरवाजा बाहर से बंद था, जिसके बाद वह बगल कमरे में रहा था। मुझे फोन कर कहा कि बाहर का दरवाजा बंद है, खोलने को कहा, जिसके बाद अमित सिंह दरवाजा खोलने जा रहा था, मगर उसके कमरे का भी दरवाजा बाहर से बंद था। देखा कि कमरे में रखे अलमारी गायब है और दूसरा अलमारी खुला हुआ है, तब चोरी होने की जानकारी मिली, जिसके बाद मोहल्ले के दोस्तों को कॉल पर बुलाया और कमरे का दरवाजा को खुलवाया गया, जिसके बाद सुबह पूरे घटना की जानकारी पुलिस को दी गई। सूचना मिलने के बाद मौके पर पुलिस पहुंची हुई थी और जांच पड़ताल शुरू किया गया। डॉग स्क्वाड की टीम की मदद ली जा रही है। फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट और FSL की टीम को भी बुलाया गया है। उप थाना नैला चौक अज्ञात चोरों के खिलाफ धारा 379 457 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है। गौरतलब है कि रविवार को कलतरा थाना क्षेत्र के वार्ड नंबर 5 में भी 4 नकाबपोश बदमाशों ने शिक्षक के घर दादी पोती को बंधक बनाकर 10 लाख रुपए की लूट की घटना को अंजाम दिया था। अजय यादव की रिपोर्ट, जेएक्स न्यूज़ छत्तीसगढ़। जी कहाँ के निवासी? जी मैं अमित सिंह गौतम, कापन के निवासी हूँ। भैया क्या घटना घटित हुआ है रात्रि में? चोरी हुआ है और वारदात को तो पता नहीं कितना नहीं हुआ है, लेकिन हम लोग 2 बजे उठे हैं तो घर का गेटवे सब बंद था, अंदर से हम लोग को लॉक कर दिए गए थे और अंदर से अलमारी गायब था। फिर क्या बोलते हैं, हम लोग बाहर दोस्तों के आने पर बाहर निकले और देखे तो अलमारी बाहर रखाया हुआ है कूलर साइड में, और वहाँ से सब सामान नहीं है, कुछ सामान सब सामान जब ले सके हैं। लगभग कितने लाख का चोरी का घटना हो? लगभग वो 10-12 लाख के आसपास का होगा चोरी। फिर जानकारी किसको पता हुआ पहले? क्या इस बारे में जानकारी थाना में अवगत कौन दिया? जी थाना में मैं ही फोन कर। लगभग कितने बजे आपको जानकारी मिला कि चोरी हुआ है? लगभग मेरे को 2:10 में पता चल गया चोरी हुआ। फोन आया पापा का दूसरे रूम से कि दरवाजा नहीं खुल रहा है बोल के, तो जी तो मैं रूम देखा तो मेरे रूम का भी दरवाज़ा बंद था, तो देखा कि अलमारी नहीं है, रूम का मेरा दरवाजा लॉक है बोल के।